गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। हाउ आर यू ऑल? टुडे वी विल बी स्टार्टिंग आवर न्यू लेसन ऑफ ईवीएस, नो मी बेटर। इस लेसन में हम अपने बारे में जानेंगे, ठीक है? चलिए लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। हु आर यू? आप कौन है? आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल। बॉय कौन होता है? लड़का, और गर्ल लड़की। अगर आप बॉय हैं तो बॉय पे टिक करेंगे, अगर आप गर्ल हैं तो गर्ल पे टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ऑल अबाउट माई सेल्फ। नाउ हियर वी हैव टू राइट अबाउट योर सेल्फ। वॉट इज योर नेम? आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। आप कितने साल के हैं? माई बर्थडे इज ऑन। आपका बर्थडे कब आता है? आई गो टू डैश स्कूल। आप किस स्कूल में जाते हैं? आई स्टडी इन क्लास। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? माई होम टाउन इज माई होम टाउन। होम टाउन मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, कहाँ रहते हैं। क्लियर? माई पेरेंट्स फॉन्डली कॉल मी। माई पेरेंट्स फॉन्डली कॉल मी मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे प्यार से क्या बुलाते हैं, ठीक है? चलिए और कुछ देखते हैं। एवरी नेम हैज अ स्पेशल मीनिंग, लाइक तुषार मीन्स स्नो। वट डज योर नेम मीन? सभी का कोई ना कोई नाम होता है। आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, सभी का नाम है कुछ ना कुछ, ठीक है? जो भी आपका नाम होता है उसका कुछ मतलब होता है, कुछ मीनिंग होता है। तो अपने पेरेंट्स से पूछिए कि आपके नाम का क्या मतलब है। क्लियर है? पूछेंगे सभी? चलिए लेट्स मूव ऑन। एक्सरसाइज, टिक द थिंग्स यू लाइक टू डू। अब आपको करना क्या है, देखिए इसमें से जो चीज आपको पसंद है उस पर टिक करना है। आई लाइक टू प्ले। आप क्या खेलना पसंद करते हैं? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। आप टिक कर देंगे उस पर। आई लाइक टू ईट। आपको क्या खाना पसंद है उस पर टिक कर देंगे। आई लाइक टू वॉच। आपको क्या देखना पसंद है इसमें से, कौन सा कार्टून, उस पर टिक करेंगे। आई लाइक टू वियर। आपको क्या पहनना पसंद है आप उस पर टिक करेंगे, बिल्कुल, है ना? इजी है। चलिए, वी ऑल लिव इन अ ब्यूटिफुल होम। ड्रॉ एंड शो अस हाउ योर हाउस लुक्स लाइक। आप सभी बहुत सुंदर घर में रहते हैं, सभी का घर बहुत सुंदर है, ठीक है? तो आपको अपना घर ड्रॉ करना है इसमें, कि आपका जो घर है, जो ब्यूटीफुल आपका होम है वो दिखता कैसा है, ठीक है? ये स्पेस आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर और सिटी। आप कौन सी सिटी में रहते हैं, आपकी गली नंबर क्या है, आपका हाउस नंबर क्या है। ईजी है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए और इसको कंप्लीट करिए बुक के अंदर। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। अब सेकंड, माय बॉडी। माय बॉडी मतलब मेरा शरीर। आप सबकी बॉडी है, तो आज हम अपनी बॉडी के बारे में जानेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस पार्ट का क्या काम है। चलिए स्टार्ट करें। माय बॉडी, आवर बॉडी इज मेड ऑफ मैनी पार्ट। आवर बॉडी इज मेड ऑफ मैनी पार्ट। हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे पार्ट से बनी हुई है। अगर आप शीशे में खड़े होके, मिरर में खड़े होके अपनी बॉडी को देखेंगे तो आपको ऊपर हेड दिखाई देगा, नोज, आईज, टीथ, नेक, टंग, ईयर, शोल्डर, चेस्ट, फिंगर, लेग्स, ठीक है? ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं। लेट अस रीड देयर नेम्स अलाउड। चलिए अब इनके नेम्स पढ़ते हैं। हेड, नोज, आई, ईयर, टंग, टंग क्या होती है, जीभ, टीथ, टीथ माने दांत, शोल्डर, शोल्डर क्या होते हैं, कंधे, ये नेक, नेक क्या होती है, गर्दन, चेस्ट, चेस्ट होता है आगे का सीना हमारा, आर्म, आर्म क्या होता है, हमारा हाथ, फिंगर, उंगलियां, थंब, थंब क्या होता है, अंगूठा, थाइस, थाइस क्या होती है, देखो यहाँ पे जो पार्ट है इसको थाइस कहते हैं इतने हिस्से को, नीज, नीज क्या होते हैं, घुटने, लेग्स हमारे पैर हो गए, हील क्या होती है, हमारी एड़ी, और टो हमारे पैर के पंजे। आया सारा समझ में हमारी बॉडी पार्ट?
देखिए हमारी बॉडी दिखने में कितनी सिंपल लगती है, लेकिन कितनी सारी चीजें हैं इसके अंदर और सब अलग अलग काम करते हैं ना। बिल्कुल। चलिए कुछ और बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, उनके काम। सेंस ऑर्गन्स। माई बॉडी हैज फाइव सेंस ऑर्गन्स, दे हेल्प मी टू लर्न अबाउट माई सराउंडिंग्स इन डिफरेंट वेज। हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो पूरा शरीर है, इसमें फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं। सेंस ऑर्गन्स मतलब वो बॉडी के वो अंग, वो पार्ट जिसकी मदद से हम अपने बाहर जो वातावरण, जो भी कुछ हो रहा है उसको महसूस कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, उससे इंटरेक्ट कर पाते हैं। हमारी बॉडी तो ये रही, हमारे आसपास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम देख पा रहे हैं वो भी सेंस ऑर्गन है, हम सुन पा रहे हैं ये भी सेंस ऑर्गन है, ठीक है, हम टेस्ट कर पा रहे हैं ये भी सेंस ऑर्गन है, नोज स्मेल कर रहे हैं हम, ये सब सेंस ऑर्गन है जो कि हमें बताती है हमारे आसपास क्या हो रहा है। हमारे आसपास क्या चीज़ है वो हम आंखों से देखेंगे, है ना। हमारे आसपास क्या क्या आवाज़ें आ रही है वो हम कानों से सुनेंगे। हमारे आसपास किस तरह की खुशबू है वो अपनी नोज से स्मेल करेंगे। देखिए आईज, आई सी विद माई आईज, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। सभी देखते हैं। ईयर्स, अब देखिए ईयर्स का क्या काम है। आई लिसन विद माई ईयर्स, मैं ईयर से सुनता हूँ। नोज, आई ब्रीद एंड स्मेल विद माई नोज। नोज से क्या करते हैं हम, सांस लेते हैं और स्मेल करते हैं, कुछ भी खुशबूदार चीज या कुछ बदबू जो दुर्गंध होती है हम नोज से पता लगाते हैं। टंग, आई कैन टेस्ट सॉल्टी स्पाइसी शुगरी एंड बिटर थिंग्स विद माई टंग। देखिए टंग का क्या काम होता है, टंग की हेल्प से हम टेस्ट करते हैं फूड, करते हैं ना, कोई चीज खट्टी है, मीठी है, मसालेदार है, स्वीट है, ये सब कैसे पता लगता है हमको, ये हमारी टंग से पता लगता है। और क्या है लास्ट में, हमारी स्किन। हमारी स्किन क्या है, हमारी त्वचा। देखिए स्किन जो ये है, हमारी बॉडी के बाहर जो भी कुछ आपको दिख रहा है ये स्किन है पूरा। क्या काम होता है स्किन का, आई फील हॉट एंड कोल्ड, सॉफ्ट एंड हार्ड विद माई स्किन। जितनी भी फीलिंग्स हैं, ठंडी गर्मी, ठीक है, सॉफ्ट हार्ड, ये सब अपनी स्किन से पता करते हैं हम। अगर बाहर गर्मी है तो हमें गर्मी लगेगी स्किन के ऊपर, बाहर सर्दी है तो हमारी स्किन पे सर्दी लगेगी। अगर कोई सॉफ्ट कोई चीज़ अगर हम अपने हाथों पे रखेंगे तो हमारी जो स्किन है उससे हमें महसूस हो जाएगा कि वो चीज़ सॉफ्ट है। अगर कोई हार्ड चीज़ रखेंगे तो हमें फील हो जाएगा वो चीज़ हार्ड है। तो हमारी बॉडी के ये फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमें अपने आसपास की चीज़ों से इंटरेक्ट करने में, बातचीत करने में या समझने में मदद करते हैं। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर के, ठीक है, बाहर के बॉडी पार्ट्स। एक तो हमारी बॉडी के अंदर भी बॉडी पार्ट्स हैं जो हमको दिखाई नहीं देते। आप देखिए अपनी बॉडी की तरफ कि आपको अंदर क्या क्या है, आपको हार्ट, किडनी, लंग्स दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे। क्यों, क्योंकि वो इंटरनल पार्ट्स हैं, वो हमारे अंदर के पार्ट्स हैं। और जो बाहर के पार्ट्स हैं, हैंड, लेग्स, हेड, ये सब क्या है, बाहर के बॉडी पार्ट्स हैं जो हमको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। क्लियर। आवर बॉडी हेल्प अस टू वॉक, रन, ईट, टॉक, राइट एंड प्ले। लेट अस सी हाउ। अब देखिए हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमको वॉक, चलने में मदद करते हैं ना, रन, भागने में मदद करते हैं, ईट, खाने में मदद करते हैं, टॉक, बोलने में मदद करते हैं। मैं बोल रहा हूँ तो अपनी बॉडी पार्ट्स की हेल्प से ही बोल रहा हूँ। राइट, लिखने में मदद करते हैं, वो भी प्ले, और खेलने में भी हमारे बॉडी पार्ट्स ही मदद करते हैं। हम जो भी काम कर पाते हैं सब कुछ अपनी बॉडी पार्ट्स की हेल्प से ही करते हैं, है ना। बिल्कुल। देयर आर फाइव सेंस ऑर्गन, अभी हमने पढ़े फाइव सेंस ऑर्गन्स जिनसे हम बाकी सब चीज़ों से इंटरेक्ट करते हैं बाहर की चीज़ों से। कौन कौन से थे वो, आईज, ईयर, टंग, स्किन एंड नोज।
दे ऑलवेज हेल्प अस टू स्टे अलर्ट एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी। अब ये पांच सेंस ऑर्गन हमेशा अलर्ट रहते हैं, ठीक है, ये हमेशा काम करते रहते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेग्स, लेग्स किस काम आती हैं? सोचिए थोड़ा सा, आपके जो पैर हैं वो किस काम आते हैं? आई वॉक एंड रन विद माई लेग, मैं अपने पैरों से चलता हूँ और दौड़ता हूँ। माउथ, माउथ किस काम आता है? आई स्पीक एंड ईट विद माई माउथ, मैं अपने माउथ से बोलती हूँ और खाना खाती हूँ। नी, घुटना, माई नीज हेल्प मी टू बेंड माई लेग्स एंड सिट। अब देखो नीज का क्या काम होता है, जो हमारे घुटने होते हैं उन्हीं की मदद से हम बैठ पाते हैं और अपने पैरों को मोड़ पाते हैं, ठीक है। अगर पूरी एक ही हड्डी होती तो हम कभी अपने पैरों को मोड़ नहीं पाते और बैठ नहीं पाते, ठीक है। इसलिए नीज हमें हेल्प करती है अपने पैरों को फोल्ड करने में। हैंड, अब देखिए हैंड्स का क्या क्या काम होता है। आई क्लैप विद माई हैंड, आई ऑल्सो होल्ड थिंग्स एंड थ्रो देम विद माई हैंड। अब देखिए ताली भी हैंड से बजाते हैं, कोई सामान अगर पकड़ना हो वो भी हम हाथ से पकड़ते हैं, ठीक है। कोई चीज़ अगर फेंकनी हो वो भी हम हाथ से ही फेंकते हैं, ठीक है। फिंगर्स, अब फिंगर्स किस काम आती हैं? आई यूज माई फिंगर्स टू राइट एंड टू क्लिक। फिंगर किस काम आती है? लिखने के लिए। अगर हमारे हाथ में फिंगर्स ना हो तो हम कोई चीज़ पकड़ भी ना पाए सही से, ठीक है। तो फिंगर्स काम करने के काम आती है, माउस क्लिक करने के लिए भी काम आती है। आया आपको समझ में सारा कुछ? हमारे सेंस ऑर्गन्स कितने हैं? फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं। हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट कौन से हैं? वो सारे बॉडी पार्ट जो हमको बाहर ही बाहर दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करें इस लेसन की हम। चलिए, लुक एट द एक्शंस गिवन बिलो एंड टिक द बॉडी पार्ट्स यूज्ड इन द एक्शंस। ओके, अब देखिए पिक्चर देखेंगे हम और क्या क्या बॉडी पार्ट उसमें यूज हो रहा है, ठीक है। जो उस काम करने में जो हमारी बॉडी का पार्ट यूज हो रहा है हम उस पर टिक करेंगे, क्लियर। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी। देखिए फर्स्ट पिक्चर, यू कैन सी द पिक्चर, एक गर्ल है और वो गाना गा रही है, तो बताइए कौन सा बॉडी पार्ट यूज हो रहा है इसमें? उसका ईयर, माउथ या हैंड्स? कौन सा मेन बॉडी पार्ट यूज हो रहा है गाना गाने में? माउथ, मुंह से ही गाना गाएंगे ना। सेकंड बताइए, यहाँ पे देखिए एक बच्ची है जिसके हेडफोन लगा हुआ है सिर में और वो कुछ सुन रही है शायद, तो सुनने का काम किससे करते हैं हम? ईयर्स, शोल्डर या फीट? ईयर्स। अब देखिए एक बच्चा है जो कि फुटबॉल खेल रहा है, तो उसमें कौन सा बॉडी पार्ट यूज हो रहा है उसका? ईयर्स, लेग्स या हेड? तो उसके लेग्स यूज हो रहे हैं। फोर्थ, एक बच्ची है जो कि आइसक्रीम खा रही है, आइसक्रीम किससे खाई जाती है? सॉफ्टी, आइसक्रीम कौन? टंग, नेक, हैंड, जीभ से, अपनी गर्दन से या हाथ से? तो इसमें मेन जो काम हो रहा है वो टंग का काम है, इसमें क्योंकि उससे टेस्ट कर रही है वो, ठीक है, इसीलिए। चलिए लेट्स मूव ऑन। फाइंड इन फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अब हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ऊपर वर्ड्स दे रखे हैं हेल्प के लिए और हम समझेंगे और फिल करेंगे इसको। चलिए फिल इन द ब्लैंक। आवर डैश हेल्प्स अस टू टेस्ट डिफरेंट फूड। हमारी कौन सी ऐसी चीज है जो हमें अलग अलग फूड को टेस्ट करने में मदद करती है? वो टंग है, टीथ है, नोज है या फीट, हमारे पैर हैं? क्या है वो? वो है टंग। सेकेंड, वी कैन स्मेल विद द हेल्प ऑफ आवर डैश। हम स्मेल किसकी मदद से करते हैं? नोज। थर्ड, वेन आई ओपन माई माउथ यू विल सी मी। जब मैं अपना मुंह खोलूंगा तो आपको मैं दिखाई दूंगा। आप मुंह खोलेंगे तो क्या दिखाई देते हैं आपके? टीथ, टीथ दिखाई देते हैं ना, यहाँ आएगा टीथ।
आई वियर सॉक्स ऑन माई, मैं जो सॉक्स है वो कहाँ पहनता हूँ, अपने फीट में, अपने पैरों में. क्लियर? चलिए इसको फिल करेंगे. हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव, आपकी कितनी फिंगर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 फिंगर्स. विच पार्ट ऑफ योर बॉडी हेल्प्स यू टू राइट, लिखने में आपका बॉडी का कौन सा पार्ट हेल्प करता है? फिंगर्स. तो इसमें क्या आएगा हमारा आंसर? फिंगर्स. और यहाँ पे आ जाएगा 10. ठीक है, यहाँ आ जाएगा 10 हमारा आंसर, यहाँ आ जाएगा फिंगर्स. क्लियर? FINGERS. चलिए फन टाइम. कंप्लीट द गिवन क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ पिक्चर क्लू. ठीक है, आप देखिए पिक्चर देखिए, आपको समझिए इसमें कौन सा बॉडी पार्ट दिखाई गया है. ठीक है, देखिए फर्स्ट में क्या है, ये थंब दिख रहा है, तो फर्स्ट में क्या है, THUMB, थंब. सेकंड में क्या है, सेकंड क्या है हमारा, हैंड. तो पूरा हैंड दिख रहा है यहाँ पे, तो HANDED, हैंड. थर्ड में देखो क्या है, हेड, हमारा सिर दिखाई दे रहा है पूरा, ये क्या है, हेड, HEAT, हेड. और देखिए ये कौन सा बॉडी पार्ट है हमारा, फोर्थ. कौन सा बॉडी पार्ट, देखो पेट दिखाई दे रहा है, पेट, तो पेट को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्टमक, STOMACH, स्टमक. देखिए फिफ्थ में क्या दिख रहा है, स्माइल, मुंह दिख रहा है, तो माउथ, MOUTH, माउथ. हो गया कंप्लीट. तो हमने ये टू लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं अपने बुक में. आप इसको फिल कर लीजिएगा, अपने पेरेंट्स की हेल्प से बिल्कुल फिल कीजिएगा इसको. ठीक है, ध्यान से करिएगा और बिल्कुल अच्छे से, गुड हैंडराइटिंग में. क्लियर? हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.